हेलो गाइस, व्हाट्स अप, गुड इवनिंग। और मेरा नाम है शिराज सिद्दीकी और आज एक और संडे और हम आज जा रहे हैं अपना संडे एंजॉय करने, जो कि हर बार की तरह हमको कुछ पता नहीं रहता है हमने जाना किधर है, पर अब आ रहा है तोशी तो अब डिसाइड करते हैं पहले कि हमने जाना किधर है, उसके बाद आपको एंजॉय कराते हैं वो वाली जगह, क्योंकि आपको पता है हमारा बारी एक बढ़िया और पीसफुल जगह पर जाते हैं, हम अपना संडे ऐसे ही बिताते हैं। तो बताते हैं आपको कि हम जाने कहाँ वाले हैं। ओके गाइस, गाड़ी हमारी यही है, ऑल्टो के टन में ही जाएंगे हम जहाँ भी जाएंगे, तो वेट करिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस, नाउ वी आर एट बुआ खाल और ये वाला रास्ता आपको पता है कोटद्वार जाता है, ये वाला जाता है खिरसू और एक बीच से कटता है सीकू के लिए वाला रास्ता, तो हम सीकू वाले रास्ते पर जाएंगे। सीकू वाले रास्ते से हम जाएंगे उधर ज्वालपा साइड की तरफ, मतलब उधर से एक रास्ता पड़ता है, लोकेशन बहुत प्यारी, पतली रोड है पर लोकेशन बहुत ही प्यारी है। और इस वाले रास्ते से हम जाएंगे वापस, हम इस वाले रास्ते से आएंगे, देख रहे हो इससे हम जाएंगे और इस वाले से वापस आएंगे, और ये जो पीछे वाला रास्ता है इससे फिर घर अपने वापस आएंगे। आ गया तो क्या क्या लाया है? मैं लाया हूँ फ्रूटी, फ्रूटी क्या क्या, फ्रूटी कुरकुरे, फ्रूटी कुरकुरे बस। तो चले हम आगे, और कुछ नहीं, और आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे तो वो नारपा लिखा है देख लेंगे, बंगर सीमेंट भी लिखा है आगे, ओयो भी लिखा है, हाँ ओयो भी लिखा है। चलो गाइस चलते हैं हम आगे इस वाले रास्ते में। सो गाइस, हम अब दूसरे वाले डाइवर्जन के पास आ गए हैं, इससे हमें राइट मुड़ना है, इस वाले पहाड़ में जाना है हमें, सामने वाला चला गया खेड़सू और पाबो की तरफ, हमको राइट वाले में मुड़ना है। ये हमने लिया टर्न और इसके बाद से बहुत प्यारी सी लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी इस पहाड़ की। अब इस रूट को देखिए आप, कितना मस्त रूट है ये। हम यहाँ से हम पहुँचेंगे ज्वालपा की तरफ, यहाँ से होगा लगभग 20 या 25 किलोमीटर होगा, और उधर से पौड़ी वापस होगा 20 किलोमीटर है तो शी? इतना ही है? हाँ इतना ही। पक्का तूने नापा था? इंच टेप लेके तो गया था पर नापा नहीं गया। इंच टेप से नापेगा, इंच टेप खुद एक मीटर का होता है। हाँ, तो एक एक मीटर करके तो नापूंगा। इस स्पॉट पे हम कर रहे हैं अपने ड्राइवर चेंज, अब गाड़ी चलाएगा तोशी। गाड़ी है हमारी केटन, ये कितनी प्यारी लग रही है इस जगह पे, और आप इस लोकेशन को देखिए, घना जंगल, प्यारी सी लोकेशन, और सिर्फ हम आए हुए हैं घूमने, सिर्फ गाड़ी की आवाज़ आ रही है इधर थोड़ी सी, और सिंपल नेचर की आवाज़ है इस जगह पे। तो ये पहाड़ों में यही तो मिलता है बढ़िया, बस सुकून रहता है अपना संडे इंजॉय करने, किसी भी स्पॉट पर चले जाओ शांति मिलेगी आपको, नेचर मिलेगा और कुछ नहीं, बस बहुत मज़ा आ रहा है। और अब तो सर्दी आ गई है तो अब तो धूप सेकने का और अलग ही मज़ा। बढ़िया लोकेशन है इस जगह की, देखो आप, बिल्कुल शांति, बस नेचर की आवाज़ आ रही है। और पीछे से आ गया हमारा है तोशी गाड़ी लेके। नो नो चलो गाइस चलते हैं अब हम आगे। तो हमने ले लिया है, अब आ रहा है पीछे मुझे रिसीव करने दोबारा से। लोकेशन जहाँ हम कह सकते हैं कि, हाँ प्राउडली कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक डेवलपिंग फेज में है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं इस वाले पहाड़ में, ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगा हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा है, ये देखिए आप ऊपर इस जगह पे देखिए, बहुत बड़ा सा सोलर प्लांट लगा हुआ है, और ये आसपास के सब गाँव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है,
बहुत ऊपर तक फैला हुआ है यहाँ से, तो ये इस जगह से तो साफ दिख नहीं रहा है, अगर आगे से दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है, ये सामने से दिख जाएगा। तो हो रहा है ऐसे भी पहाड़ों में काम, ऐसा नहीं है, बस ये है कि स्पीड थोड़ी कम है डेवलपमेंट की। ये देखिए इधर से दिख रहा हो, वो एंड तक गया हुआ है वो पूरा, तो बढ़िया चीज़ है ये। सोलर पावर का बिल्कुल ढंग से यूज़ कर रहे हैं। और तो अभी हम पहुंच गए हैं सीकू में, यहाँ पे हमें बोर्डा जी दिखे हैं, यहाँ पे हमें बोर्डा जी हमें बहुत भयंकर वाले लुक्स दे रहे हैं। इधर से हमें बढ़ना है आगे की तरफ, पर एक बात है गाइस, जैसे हम पहाड़ों के इन विलेजेस में आते हैं ना उत्तराखंड के, अलग ही वाइब्स रहती है यार इन विलेजेस में, बहुत सुकून मिलता है आसपास के लोगों को देख के, जो उनके चेहरे पे रौनक रहती है, अलग ही वाइब्स आती है। सो गाइस वाइब तो अभी हम बैंगलोर जाएंगे गाइस, वाइब तो हमें इस एरिया में भी आ रही है जिसकी लोकेशन बहुत शानदार है। सामने देखो आप पहाड़ के पीछे कितने मस्त लग रहे हैं। बस थोड़ा ये एप्पल इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाता है सामने की रेस को। शो ऑफ नहीं कर रहे हैं ब्रो। सस्ता सा तो फोन है हमारा, लोकल चाइनीज आईकाल कंपनी का। टकड़ती रहती है वो जमीन में, मेरी गाड़ी बहुत टकड़ गई जमीन पे। क्या देखो देखो गाइस कैसे चिढ़ रहा है, कैसे चिढ़ रहा है, चेहरा देखो इसका। जमीन से जुड़े लोग, जमीन से जुड़े लोग हो तो तुम उसमें जाया करो ना, वो क्या होता था वो, हमें बैठ के जाना चाहिए। अरे नहीं क्या होती थी वो, उसमें भी था वो विक्रम वेताल में, क्या होता था वो फ्लाइंग जेट वाला, वो क्या होता था वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मशीन, क्या होती थी वो, ध्यान ही नहीं आ रहा गाइस, ध्यान आएगा तो बताऊंगा अभी आपको। खटोला बोलते थे उसे, अभी याद आया, तो तुम उसमें जाया करो ना फिर, अगर तुम जमीन से जुड़े हुए आदमी हो उसको जमीन में चुपका के तब आसमान से जुड़ा हो गया, जैसे 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 पबजी में है ना, वो आजकल पबजी खेलता है आजकल, क्यों फोन नहीं है मतलब, कौन सा फोन है, गाइस इस पे ये है नोट सीरीज, तब करते हैं शो ऑफ वाली बात। अब देखो दूसरा फोन निकाले गए बड़ी चौड़ में, ये देखो गाइस इसका ये वाला फोन देखो ऐसा हो जाता है, पर तब बात कर रहे हैं मुझे शो ऑफ की, मेरा फोन तो सीधा रहता है, टेढ़ा हो गया तो सीधे खराब ही होना है उसने। तब करते हैं बात लोग शो ऑफ वाली, ये गाइस गरीबों वाला फोन है ये, ठीक है मैं सही करा दूंगा इसे, कील लगा के इसमें, ठीक है कब्जे लगवा दूंगा इसमें, ओके ठीक है। गाइस यहाँ की सुप्रीम ऐसी देखो आप, सरकारी स्कूल इन्होंने कहाँ बनाया हुआ है, ये कैमरे में भी से ओनली 3x जूम है तब भी इतना दूर, ये नॉर्मल उसमें देखो आप कितना दूर बनाया हुआ है ये सरकारी स्कूल। और इनका गांव उधर साइड है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है इधर देखो, और इतना दूर बनाया हुआ है बीच पहाड़ में। अगर ड्रोन होता तो ड्रोन को भेजते हैं, बट अनलकीली हम आज ड्रोन नहीं लाए हैं। और यहाँ कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, हाँ गांव वाले आए हुए हैं अपने कैटल्स को चराने, ये सामने दिख रहे हैं हमें कैटल्स, और एक लड़का उधर दिख रहा है। So guys, और देखो जैसे हम कह रहा था कि वो देखो उधर मंदिर है, उधर की साइड थोड़ा दूर में guys, एक भेड़ उधर है, पर एक भेड़ ये रही जो ये है, ये के बहुत ताज्जुब आया, ये देखो कितना दूर बनाया हुआ इन्होंने ये, और इसका रास्ता भी पूरा जंगली रास्ता है, और इधर तो डर रहता है ये जंगली जानवरों का, शहर के पास बनाना थोड़ा सही रहता है। भाई ये क्या कह रहा है, इसका मतलब बताना, ये जो गाना गा रहा है इंग्लिश में, मैंने सुना ही नहीं यार गाना, मैं गाड़ी चला रहा था। फिर से सुन ले, लेफ्ट साइड जाना है गाइस हमें, ड्राइवर को पता नहीं है, दिल्ली में ओला की गाड़ियां चलाता है, तो पहाड़ों में से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई नहीं इसको रास्ता हम बता देंगे। ओके अब बोहिमिया के गाने सुनते हैं, मिलते हैं बाद में।
गाइस सतपुली का रास्ता यही है पक्का? ठीक है ओके, तुम भी चलोगे? चलो ओके बाय। कहाँ जा रहे हो? बाय। नाउ वी आर एट पोखरी खेत, और पोखरी खेत कुछ ऐसा गांव है, ये है इस गांव की मार्केट। ये देखो सुपरमैन, वो देखो पीछे भी सुपरमैन भी था, सॉरी हमने दिखाया नहीं, आपको दिखा होगा। पागल हो गया ये पोखरी खेत के सुपरमैन। ये देखो गांव, देखो यार अब गांव में बहुत बढ़िया मजा आता है यहाँ पे। सुपर चचा, ये रहे हमारे सुपर अंकल। सुपर चचा, दिस इज नॉट अ अंकल, दिस इज चचा। अरे यहाँ ये सुपर डॉगीज, ये सुपर डॉगीज, और ये भारतीय स्टेट बैंक। और ये देखो पंच खड़ी गाइस, ये देखो 800 है, उसके पीछे भी 800। अरे अंकल हटने को तैयार। ये वही वाली गाड़ी है जो नदीम की थी। हाँ 1670, ये पहले हमारी गाड़ी थी, अब हमने बेच दी है, मतलब हमारी नहीं, हमारे दोस्त की थी। ये दीदी हटना नहीं चाह रही, लगता है दीदी को बोनेट पे बैठना है। गाड़ी है, थोड़ा ही आगे चले थे और एक और मंदिर दिख गया हमें। यार फोकस 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 फोकस, हो गया हो गया हो गया, ये वाला मंदिर देखो। फिर एक गांव आ गया है, मंदिर गांव रोड, मंदिर गांव रोड, ऐसे रोटेशन चल रहा है। टेक द व्यू ऑफ दिस लोकेशन, लोकेशन देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल लद्दाख जैसी वाइब दे रही है ये जगह। देखिए अपना गाड़ी और पतली सी रोड, नीचे झरना बहता हुआ, सामने एक छोटा सा डरावना सा पुल, और देखिए लोकेशन कितनी भयंकर सी है। तो मैं चलता हूँ थोड़ा आगे, तब तक तोशी गाड़ी ले आएगा। और पहाड़ देखिए कितने ऊँचे ऊँचे हैं इधर की साइड, रोड कंडीशन भी थोड़ी ख़राब है इधर की साइड, बट बढ़िया जगह लग रही है। देखो नीचे नदी बह रही है, फ्लो थोड़ा कम है, और वहाँ लोग हैं, वो तो नज़र अब गई, वो देखो वहाँ लोग हैं, मछली पकड़ रहे होंगे, मे बी हो सकता है मछली पकड़ रहे होंगे, बट लोकेशन इज़ टू गुड। कितनी प्यारी लग रही है इधर से गाड़ी, और सामने एक ब्रिज। लोकेशन इज टू नाइस, रोड बहुत, बस ये है कि रोड बहुत पतली है इस जगह की। कोई अनट्रेंड आएगा तो मे बी एक्सीडेंट हो सकता है। और पीछे से आ गई है हमारी ऑल्टो के टेन, लॉर्ड अल्टो आ गई है हमारी। हम पहुंचने वाले हैं उसी जगह पे जहां पे हमको डाइवर्जन लेना था। ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं इस वाले डाइवर्जन पे, ये लेफ्ट वाला कोड़दार, राइट वाला पौड़ी के लिए, और हमको जाना है इधर से राइट, क्योंकि यही हमारा डेस्टिनेशन था जहां हमें जाना था। तो हमने ये लिया राइट टर्न, पर ये निकल गए हम पौड़ी वाले रास्ते के लिए, उस रास्ते को कर दिया है हमने भाई, जस्ट पीछे वाला रास्ता जाता है कोड़दार के लिए, और उधर से फिर पूरा यूपी जा सकते हैं उस वाले रास्ते से। अब हम निकल गए हैं पौड़ी वाले रास्ते। तो देखो गाइस अब लो इस जगह का नज़ारा, जो मैं आपको ब्रिज बोल रहा था, इससे अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ। पहले तो ये लोकेशन देखो आप, कितनी प्यारी लग रही है ये, और उसमें मेरी गाड़ी और चार चांद लगा रही है इस जगह पे। पुल का इस जगह का एरिया देखिए आप, कितना भयंकर सा और डरावना सा लगता है वाला एरिया। ये देखो आप ये वाला एरिया, कितना डरावना सा लगता है वाला एरिया भाई। और कहते भी हैं कि ये वाला जो एरिया है, इस जगह पे भालू आता है। एक बारी लास्ट टाइम आए थे हम, तो लास्ट टाइम भी हमें भालू, पहले तो हमें भालू दिखा था, उससे पहले हमें लेपर्ड भी दिखा था इसी एरिया में।
बड़ी भयंकर रोड है। अभी तो खैर रोशनी है तो अभी इतना डर नहीं है, रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इस जगह पर। और आप लोकेशन देखिए, लोकेशन बहुत बढ़िया है इस जगह की। और अब हम बस पहुँचने वाले हैं ज्वालपा देवी वाली साइड में, उसके बाद वहाँ से सीधे निकलेंगे पौड़ी की तरफ। और ऊपर का रास्ता देखो आप, कितना ऊँचा पहाड़ है ये, इसमें तो मे बी आपको ना दिखे, बड़ी बहुत टॉप में जा रहे हैं, बहुत टॉप में जा रहे हैं पहाड़ के काफ़ी नीचे वाले एरिया में। और हर जगह आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे, भूस्खलन संभावित क्षेत्र, कृपया धीरे चले, और इनको लगाया गया है अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण खंड लोनीवी पौड़ी के द्वारा। तो ओके गाइज, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और ये देखिए यहाँ सारी पत्थर चटा घास जिसको बोला जाता है, ये जड़ी बूटी टाइप की होती है, वो बहुत सारी है इधर की साइड। ओके गाइज, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपको थोड़ा आगे एक और कोई अच्छे से स्पॉट में, कोई अच्छी सी लोकेशन में मिलते हैं आपको। बाय बाय। पहुंच गए हैं हम अब पौड़ी गढ़वाल, तोशी को मैंने छोड़ दिया है, अभी है ETC के सामने और चलते हैं अपने घर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड जय हिंद, सलाम अलैकुम, नमस्ते।